हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 नवंबर को होने वाले मंडे नाइट रॉ के फुल प्रीव्यू के बारे में। क्या कुछ WWE ने प्लान कर लिया है, रोमन रेंस आएंगे अटैक करने रैंडी ऑर्टन पर रॉ की तरफ से, और कौन से सर्वाइवर सीरीज के लिए सुपरस्टार कंफर्म होंगे, कौन कौन से बड़े मैच होने वाले हैं, इन्हीं सब के साथ गाइज बात करेंगे। रोंडा राउजी के रिटर्न के बारे में एक बड़ी अपडेट रिवील हुई है, तो क्या कुछ है पूरी कहानी और कैसी होगी नेक्स्ट रो, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो यार, वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके एक प्यारे से लाइक से। और हमेशा की तरह लेडीज फर्स्ट फीमेल डिवीजन की तरफ से एक टैग टीम मैच कंफर्म है, और ये मैच होने वाला है डायना ब्रूक एंड मैंडी रोज वर्सेस सायना बेज़लर एंड नाया जैक्स के बीच में। एक नॉन टाइटल तो मैच है, पर गाइस जैसे कि आपको बता दूं, ये नेक्स्ट रॉ पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी, पर ये चारों सुपरस्टार एक ही टीम में कम्पीट करेंगी सर्वाइवर सीरीज में 5-on-5 फीमेल एलिमिनेशन मैच के लिए। और जो फिफ्थ सुपरस्टार है जो कि रॉ को रिप्रेजेंट करेंगी वो है लाना, और इस मैच में हमें लाना की भी कुछ इंटरप्शन देखने को मिल सकती है, और हमें एक 5-way मैच देखने को मिलेगा। जो भी इस मैच में जीतेगा वो कैप्टन हो सकता है फीमेल रॉ टीम का। नेक्स्ट मैच भी एक टैग टीम मैच है, और ये मैच होने वाला है जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन वर्सेस एल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच में। ये भी एक नॉन टाइटल मैच है, जैसे कि आपको पता है रॉ टैग टीम चैंपियन है कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड, पर दोस्तों अगर यहाँ पर सेड्रिक अलेक्जेंडर और सेल्टन बेंजामिन ये मैच जीत जाते हैं तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इन दोनों सुपरस्टार्स को रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पर गाइस बात करें नेक्स्ट रॉ पर होने वाले इस मैच की, तो यहाँ पर हमें इंटरप्शन और अटैक देखने को मिल सकता है रेट्रीब्यूशन का। और जैसे कि WWE के प्लान्स थे कि हमें सर्वाइवर सीरीज में रेट्रीब्यूशन का एक बड़ा मैच देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट रॉ पर भी ये मैच कंफर्म हो सकता है द हर्ट बिजनेस वर्सेस रेट्रीब्यूशन। इसके बाद गाइस हमें सेगमेंट देखने को मिलेगा, और वो होने वाला है आस्का का, और आस्का यहाँ पर वार्निंग देंगी साशा बैंक्स को और कहेंगी कि साशा बैंक्स को फिर से हराएंगी सर्वाइवर सीरीज में। पर दोस्तों इस सेगमेंट से हमें ये भी पता चलेगा कि आस्का की फ्यूड किसके साथ स्टार्ट होगी, रॉ ब्रांड पर कौन चैलेंज करेगा आस्का को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट मैच हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा एलायंस वर्सेस जेफ हार्डी का, और इस मैच में होगा गिटार टंगा हुआ एक पोल पर, और जो भी उस गिटार को हथिया लेगा वो होगा इस मैच का विनर। तो एलायंस को WWE काफ़ी अच्छा पुश दे रही है, तो एलायंस के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस मैच में। वहीं दोस्तों अब ड्रू मैकइंटायर को किस तरह से WWE बुक करेगी, क्योंकि इस साल में ड्रू मैकइंटायर को WWE ने बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया है, तो ड्रू मैकइंटायर हमें रॉ के मेन्स टीम में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, और ड्रू मैकइंटायर ज्वाइन कर सकते हैं सेमस एजे स्टाइल्स और कीथ ली को। इसके अलावा गाइस मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन भी हमें इस टीम को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे रॉ की तरफ की टीम पूरी कंफर्म हो जाएगी और रॉ पूरी तरीके से तैयार होगी स्मैकडाउन से फाइट के लिए। तो नेक्स्ट रो पर हमें ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमैन दोनों ही ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे एजे स्टाइल्स सेमस और कीथ ली को। नेक्स्ट सेगमेंट होगा गाइस सबसे बड़ा सेगमेंट होने वाला है रैंडी ऑर्टन का, और रैंडी ऑर्टन फिर से हमें स्टेटमेंट लेते हुए दिखाई देंगे रोमन रेंस के अगेंस्ट। WWE ने कन्फर्म कर दिया है कि रैंडी ऑर्टन यहाँ पर वार्निंग देंगे रोमन रेंस को, पर गाइस यहाँ पर साथ में WWE ने ये भी टीज़ किया कि रैंडी ऑर्टन का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होने वाला है रॉ ब्रांड पर, और वो होंगे हमें देखने को मिलेंगे द फिंड, क्योंकि पिछले रॉ पर भी द फिंड ने टीज किया था कि अब रैंडी ऑर्टन को निशाना बनाने वाले हैं। तो नेक्स्ट रॉ पर भी हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ये फ्यूड कंटिन्यू आगे रहेगी। पर गाइस क्या यहाँ पर रोमन रेंस अटैक कर सकते हैं, क्योंकि रोमन रेंस भी एक हील कैरेक्टर है, और हील कैरेक्टर वो काफ़ी अच्छे से प्ले कर रहे हैं, तो हो सकता है पहले आके अटैक करें रैंडी ऑर्टन पर, हमें रोमन रेंस का इन्वेजन देखने को मिल सकता है रैंडी ऑर्टन पर। और जाहिर सी बात है यहाँ पर रोमन रेंस अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ होंगे जे उसो भी, तो यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को भारी पड़ सकता है रोमन रेंस का इन्वेजन। तो दोस्तों ये सारे सेगमेंट और मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा WWE काफ़ी कुछ दिखाएगी सर्वाइवर सीरीज के बिल्डअप के लिए। पर अब बात कर लेते हैं रोंडा राउजी के रिटर्न के बारे में, तो गाइस पॉल हेमन ने ये अपडेट दी है, जो कि रोंडा राउजी के काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। पॉल हेमन ने कहा है कि उन्हें अंदाजा है कि रोंडा राउजी ने WWE के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और वो किसी भी टाइम WWE में रिटर्न कर सकती हैं। तो पॉल हेमन की बात तो सुन के साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें काफ़ी श्योरिटी है कि रोंडा राउजी WWE में जरूर रिटर्न करेंगे, और वो भी जल्दी। और गाइस यहाँ पर रोंडा राउजी ने भी काफ़ी कुछ टीज किया था, उन्होंने रीमैच की डिमांड की थी नतालिया के अगेंस्ट। वैसे आपको पता है रोंडा राउजी और नतालिया काफ़ी अच्छी दोस्त हैं, पर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में मैच हुआ था जो कि रोंडा राउजी को काफ़ी पसंद आया था, वो रीमैच चाहती हैं। तो यहाँ पर रोंडा राउजी के भी रिटर्न के पूरे पूरे प्लान्स हैं कि रोंडा राउजी रिटर्न करना चाहेंगे, और वो हमें वर्कआउट करती हुई भी दिखाई देती हैं काफ़ी टाइम। तो हो सकता है रोंडा राउजी किसी बड़े रिटर्न के लिए प्लान कर रही हैं, और हमें किसी बड़े पेपर में रोंडा राउजी का रिटर्न देखने को मिल सकता है, जैसे कि रॉयल रंबल। तो आखिरकार कब होता है रोंडा राउजी का रिटर्न, और किसके अगेंस्ट जाती हैं, क्या रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए जाएंगी रोंडा राउजी,
ये तो हमें आने वाला टाइम ही बताएगा, पर गाइस आप जरूर कमेंट करके बताना क्या आप रोमन रेंस का टैग देखना चाहेंगे नेक्स्ट रॉ पर रैंडी ऑर्टन पर, और वो कौन से दो सुपरस्टार होंगे जो कि मेंस रॉ टीम में जाएंगे। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना। दोस्तों अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने से बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स वॉचिंग, इसकी सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।